अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? हम सबके खैरियत से हैं। आई होप आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और आपने ये वीडियो को भी देखा और एंजॉय भी किया। आई नो ये काफी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की वीडियो है, तो रुक रुक के थोड़ा सा चली होगी कई लोगों के लिए, लेकिन आई होप कि आपको म्यूजिक की आवाज आ रही थी और आप स्क्रीन देख पा रहे थे। इसकी हमारी आज की जो ट्रेनिंग है दैट इज अबाउट ब्यूटी बाय स्वीडन। जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट है ब्यूटी बाय स्वीडन का और किस तरीके से ये ड्राइव हो रही है, ये उसके बारे में नॉलेज शेयरिंग सेशन है एक किस्म का। मैं आपको बता रहा हूँ इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर इवन के जो ब्यूटी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि ओरिफ्लेम की जो रिसर्च है बैक एंड के ऊपर वो स्किन केयर के ऊपर कैसी है, और जो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं वो किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए बनाई जाती है। तो ये वो इंफॉर्मेशन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज और आपके पास कंप्लीट ड्राइव होगी आपकी प्रोडक्ट्स की कि उनकी डायरेक्शन क्या, किस जगह से आ रही है, क्यों आ रही है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज पास ऑन कर सकेंगे और कॉन्फिडेंटली लोगों को बता सकेंगे। देखिए गरी, ये हमारी स्टेप वन की ट्रेनिंग है जिसका आज हम पार्ट वन करेंगे। पार्ट टू के अंदर हम इसकी बाकी की डिटेल्स को डिस्कस कर रहे होंगे, और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज पार्ट वन एंड पार्ट टू, बोथ ऑफ देम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पार्ट वन के अंदर हम कॉन्सेप्ट को देख रहे होंगे, पार्ट टू के अंदर हम थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज और प्रोडक्ट को भी रिव्यू कर रहे होंगे। ठीक है जी, मुझे सिर्फ एक दफा कंफर्म कर दीजिएगा अगर आप मेरी आवाज ऑडिबल है, क्लियरली सुन पा रहे हैं, यानी मैसेज में करनी अगर आप मुझे लिख दें, क्योंकि माइक्स लोगों के ऑन हो जाते हैं तो मैंने भी वो ऑफ किया हुआ है टेम्परेरी तौर पर। आप जो उनसे हैं क्वेश्चन आंसर के लिए फिर मैं स्वयं म्यूट कर दूंगा, लेकिन अभी आवाज मैम उनसा स्क्रीन भी क्लियर नजर आ रही है जी मैम करुणिसा? अच्छा जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्सेज जी। अच्छा जी देखते हैं जी हमारे पास स्टेप वन की ट्रेनिंग के अंदर एक्चुअली है क्या फर्स्ट ऑफ ऑल, और हम इसके रिपीटेड सेशंस जो उनसे हैं वो भी कर रहे होंगे। ठीक है, ये देखिएगा जी हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स आ रही है ओरिफ्लेम की स्टोरी, आपको ऑलरेडी पता है इसके बारे में, मैं उन चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन जो नई चीजें हैं उनके ऊपर मेरा खास फोकस होगा। ओरिफ्लेम की हिस्ट्री, ओरिफ्लेम ब्यूटी बाय स्वीडन का कॉन्सेप्ट, और होलिस्टिक ब्यूटी वी। नाउ दिस इज समथिंग के जो कि हमारे लिए नहीं है होलिस्टिक ब्यूटी वी, और इसके ऊपर हम फोकस भी कर रहे होंगे, और इसके पार्ट टू के अंदर हम बाकी की चीजें देख रहे होंगे जो कि हमारे पास हमारे पांच आप समझने के कैटेगरीज हैं पाकिस्तान में स्किन केयर की, कलर कॉस्मेटिक्स की, फ्रेग्रेंसेस की, पर्सनल हेयर केयर, और साथ साथ हमारे पास जो है एक्सेसरीज की। ये पांच कैटेगरीज का हम ओवरव्यू वो भी ले रहे होंगे, लेकिन वो आने वाले सेशन में कर रहे होंगे। ठीक है, आज के टाइम आज के दिन हम देखेंगे ओरिफ्लेम में ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या, ये ड्राइव कहाँ से आ रही है। जो वीडियो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी है उसमें एक मैसेज बहुत क्लियर था कि ओरिफ्लेम में ब्यूटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट मेकअप, ये अपेरेंट लुक के ऊपर नहीं बेस करता, ये बेस करता है कि आप इनसाइड कैसा फील करते हैं इस चीज के ऊपर। तो आइए चल के देखते हैं हमारी स्टोरी जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, और इट्स अ कंपनी जहां पे आपको पता है 50 साल से ज्यादा का हमारा एक्सपीरियंस है, 60 से ज्यादा कंट्रीज में हम मौजूद हैं, 3 मिलियन से ज्यादा ब्रांड पार्टनर्स हैं, 12 लाख प्रोडक्ट्स हमारी रोजाना खरीदी जाती है, 11 मिलियन यूरोस का हम फंड रेज करके अभी तक बहुत सारी फीमेल्स और बच्चों की लाइफ पे कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ग्लोबली वो सारी की सारी एको एथिकल स्क्रीनिंग से गुजर के बनाई जाती हैं, और साथ साथ सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से ओरिफ्लेम काम कर रहा है। मैंने आपको स्टेप वन की ट्रेनिंग ये जो हमारे पास अभी चल रही है इससे पहले जो हमारे पास स्टेप टू की ट्रेनिंग है उसके अंदर भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था सस्टेनेबिलिटी का, उसकी वीडियो भी देखी थी विच इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। अभी हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं होलिस्टिक ब्यूटी क्या होती है। देखिएगा आप जब एक डायमेंशन से किसी भी चीज को देखते हैं तो आपको उसका सिर्फ एक एंगल नजर आता है, और ओरिफ्लेम के पास इसका होलिस्टिक एक व्यू है, मींस के इनसाइड अपसाइड सारी साइड से आपकी स्किन और आपके लिए जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती है उनको रिव्यू करके हर डायरेक्शन से देख के बेस्ट वे में जनरेट किया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि होलिस्टिक ब्यूटी व्यू का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इंस्पायर्ड बाय नेचर एंड पावर्ड बाय साइंस है। आपको पता है
नेचुरल चीजें यूज की जा रही हैं, लेकिन उसमें साइंस की इन्वॉल्वमेंट है. मींस कि उनको बेस्ट वे में कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है. हमारे जो आरएनडी सेंटर्स हैं उसमें हमारे रिसर्च साइंटिस्ट जोन से हैं, वो इसके ऊपर कंटिन्यूअसली जोन से कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स को इनोवेट भी कर रहे हैं और उनके फायदे नुकसान भी देख रहे हैं और हर एंगल से देख रहे हैं. वो किस एंगल से प्रोडक्ट्स को देखते हैं इस ट्रेनिंग में हम वो भी देख रहे होंगे. ठीक है, आगे चल के हम थोड़ी सी मजीद डिटेल्स को देखते हैं. ब्यूटी बाय स्वीडन, देखिए जब हम ब्यूटी बाय स्वीडन की बात करते हैं इसमें हमारे पास हेल्दी लाइफस्टाइल आ जाता है सबसे पहले, कि आपका जो लाइफस्टाइल है दैट आल्सो मैटर्स. क्योंकि अगर हम बात करते हैं ब्यूटी की कि आप अंदर से कैसे महसूस कर रहे हैं, उसके अंदर आपके लाइफस्टाइल की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है. ठीक है, फिर ब्यूटीफुल स्किन, आपकी अपेरेंट लुक, जो आपकी अपेरेंट लुक है वो आपकी स्किन से नजर आती है, आपके फेस एक्सप्रेशन से नजर आती है. ठीक है, जब आप अंदर से महसूस अच्छा करते हैं देन यू स्माइल फ्रॉम द हार्ट. जब आप अच्छा महसूस करते हैं, आप खुश होते हैं, आपके चेहरे पे जोन सा नुमाया होती है आपकी खुशी. ये इसी तरह की अगर कोई शख्स परेशान होता है आपका जानने वाला, आप जाकर उसे पूछ सकते हैं जी क्या परेशानी है, हालांकि वो कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन दैट इज समथिंग जो उसके फेस पे शो हो जाती है. तो अगर अगर कोई शख्स अंदर से अच्छा महसूस करता है, खुश होता है, वो भी इसी तरह उसके चेहरे पे नुमाया होता है. बाजू आप किसी को देखते हैं उसे देख के साथ ही कह देते हैं कि आप भी बड़े खुश लग रहे हो, हालांकि उसके चेहरे पे स्माइल भी नहीं होती, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होती है. शख्स ठीक है, हमें लग जाता है कि ये एक्साइटेड हुआ है, खुश है, पैशनेट है, इज हैप्पी अबाउट समथिंग, हमारा जानने वाला हमें पता चल जाता है इसके बारे में. तो ओरिफ्लेम दोनों चीजों को कवर करता है, इनसाइड एंड फेस एज वेल. ये देखिएगा ये ओवरऑल इनसाइड एंड आउट, जब आप सूरज दिखते हैं आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं और आप अपने वे के अंदर जिस तरह आप खुश हो सकते हैं, जिस तरह आप अच्छे दिख सकते हैं और आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की ऑप्शन मिलती है ओरिफ्लेम की प्रोडक्शन. यानी कि आप अपने वे के अंदर जो है उसको अच्छे दिख सकते हैं. सो यू गेट अ चॉइस और उसके मुताबिक आप जो है ऑफ करते हैं अपनी पसंदीदा ऑप्शन को, आपके पास फुल फ्रीडम होता है. हमारे पास बहुत वैरायटी है प्रोडक्ट्स की आपके सामने है, टाइम टू टाइम नई से नई चीजें भी आ रही होती हैं और ऐड भी हो रही हैं. अब हम बात करने लगे हैं होलिस्टिक ब्यूटी अप्रोच की तरफ. What is holistic beauty approach? इसकी तरफ थोड़ा सा हम चल के देखते हैं. देखें हम लोग जो जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे चैलेंज हैं. जो आपका फेस होता है और जो आपका इनसाइड होता है ये कनेक्टेड है, क्योंकि विद द इट्स द सेम बॉडी ना. आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके ब्रेन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं. आपने देखा बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एग्जाम्पल दे रहे होते हैं जी के बस जी ये मैं परेशानियों की वजह से मुझे ये ट्रबल का सामना करना पड़ रहा है, मैं बूढ़ा लगने लग गया हूँ, मेरी एज ज्यादा लगने लग गई है परेशानियों की वजह से और मैं बड़ा इस वजह से अपसेट हूँ, वो सारी परेशानी की वजह से. देखिए फेस और एजिंग का प्रोसेस भी फेस कर देते हैं. तो हम अगर बात करते हैं ओरिफ्लेम होलिस्टिक ब्यूटी व्हील की, जिसको मद्देनजर रखते हुए ओरिफ्लेम के कॉन्सेप्ट को बनाया गया और ओरिफ्लेम में बेसिकली जो आप समझ लें कि प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो किन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं. सबसे पहले आप ये व्हील की तरफ देखिएगा, इसमें आपको थोड़ा सा शायद नजर आ रहा हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. हमारे एजिंग के प्रोसेस में हम कैसा दिखते हैं, हम कैसा महसूस करते हैं, हमारी स्किन के ऊपर क्या क्या चीजों का इम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल लुक डेवलप हो रही होती है, उसमें कुछ फैक्टर्स हैं. इसमें कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं. देखें आप कैसा दिखते हैं, आपके स्किन का कलर का कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, उसमें ऑयली स्किन होगी क्या होगा, उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपके हाथ में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं एज एंड जेंडर की. ठीक है, जैसे जैसे आपकी एज ज्यादा होती है आपके सामने एक नेचुरल प्रोसेस है, हड्डियां बोन सख्त होने लग जाती हैं और जो सा आपकी स्किन है वो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होनी शुरू हो जाती है. पहले एकदम आप बुलंदी की तरफ जाते हैं, पीक की तरफ जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोप की तरफ से आप नीचे की तरफ आना शुरू करते हैं. तो इसमें एजिंग इज समथिंग जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एज बढ़नी बढ़नी पड़ती है. ठीक है, और जेंडर मेल है फीमेल है अब हमें चीज का नहीं पता, वी कैन नॉट डिसाइड. फिर जेनेटिक्स, देखिए हमारे पास दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आपने कभी इसके बारे में स्टडी किया हो, हमारी जो पर्सनैलिटीज डेवलप हो रही होती है
और हम जिस तरह के होते हैं, हमारी जो लर्निंग होती है, हमारा जो बैक ऑफ द माइंड होता है, उसके अंदर हमारे ये जीन्स का बहुत ज्यादा ताल्लुक होता है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। आप बहुत से लोग, अगर आप उनको सेम एटमोसफेयर दें, एक ही जगह पे रखें, एक ही किस्म की कंडीशंस में आप उनको रखें, उनका रिएक्शन डिफरेंट होगा, उनका ब्रेन का रिएक्शन भी डिफरेंट होगा, उनकी लर्निंग भी डिफरेंट होगी, उनका उनका ग्रोथ वे भी डिफरेंट होगा। अब ये चीज के अंदर उनका कंट्रोल नहीं है। अगर आप एटमॉस्फेयर भी उनको एक तरह का दे दें, तो क्या चीज इम्पैक्ट कर रही होती है? जेनेटिक्स, जो आपको इनहेरिटेंस में, पेरेंट्स की तरफ से, ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से जो आपके साथ मिल रहे हैं, दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल, दिस इज नॉट इन माई कंट्रोल। हमारे कंट्रोल में क्या चीज है, हम उसकी बात करते हैं, जो कि हमारी स्किन के ऊपर, हमारी ब्यूटी के ऊपर इम्पैक्ट देते हैं। इसमें दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स और सेकेंडली हमारे लाइफ स्टाइल के फैक्टर्स। अगर हम इनको कंट्रोल कर लें, तो हम 80% अपनी एजिंग के प्रोसेस को, और जो हमारा अनयूजुअल अनवांटेड जो हमारे पास एजिंग हो रही है, और जिसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज हो रही होती है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने नोट किया होगा कि जैसे गोरे हैं, जिनकी वाइट स्किन होती है, बड़ी हेल्दी स्किन होती है, कुछ ऐसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपके सामने हैं, उधर जो स्किन टाइप है, दैट इज समथिंग वेरी हेल्दी लोगों की जो होती है, एजिंग भी उनकी कम होती है, और यानी कि प्रोसेस स्लो हो रहा होता है, उसमें क्या रीजन होते हैं? उसमें ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ ये रीजन, ठीक है, एक सन, आपको पता है देर आर कंट्रीज जहाँ पे सन जोन्स है, उसकी रेस कम पेनिट्रेट करती है ओजोन की वजह से, कुछ कंट्रीज में डिफरेंटली पेनिट्रेट करती है, कुछ ज्यादा आपको पता है हॉट वेदर होता है जगहों पे, कुछ जगहों पे कोल्ड वेदर होता है, क्लाइमेट, उसके बाद क्लाइमेट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, अगर हम लाहौर की बात करते हैं, रियल टाइम एग्जाम्पल, वहाँ पे स्मोक की एक ऑप्शन क्रिएट हो जाती है, जिसमें धुआं फोक के साथ मिक्स होता है, और एक ऐसी चीज बन जाती है जो कि आपकी स्किन को डैमेज करती है eventually, क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, इनको भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे वो कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो कि आप लोगों से पूछ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पोल्यूशन, पोल्यूशन जो होती है आपके सामने है, जितना ज्यादा कार्बन एमिट हो रहा होता है, आई डोंट नो ये किस तरह लोगों को अवेयरनेस आएगी, आपको चाहिए आप अपने एंड के ऊपर जितना बेहतर कर सकते हैं वो करें, ताकि हमारा एनवायरमेंट क्लीन रहे, लोग अपने इर्द गिर्द घरों के आगे क्लीन करें, कि मैंने देखा है ये जितना गार्बेज होता है उसको बर्न कर रहे होते हैं, इसका इम्पैक्ट होता है जी हमारी स्किन पे होता है, हमारे बच्चों पे होता है, हमारे एटमोसफेयर पे होता है। पोल्यूशन जो ओवरऑल है वो आपके ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना, जितना भी कार्बन एमिट हो रहा है, तो ये तीन चीजें जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जिसकी वजह से हमारी स्किन खराब हो रही होती है, और हमारा एजिंग का प्रोसेस जो है वो और ज्यादा तेज हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैं आपसे भी इसके बारे में पूछूंगा। देखिएगा वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, हमेशा देखिएगा कि वो एक्टिव नहीं होते, खाली उनकी स्किन टाइप भी बेहतर होने से होती है। फिर न्यूट्रिशन, आप किस तरह की खुराक ले रहे हैं, दैट आल्सो मैटर्स। आपके सामने हमारे पास ऑयल की ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड अवेलेबल है, आई डोंट नो कि किस क्वालिटी का ऑयल होता है जिसको हम डेली बेसिस पे ज्यादा, जिसके हम इनटेक ले रहे होते हैं, इतना ज्यादा उसको हमारा यूजिंग है, हमारे हर खाने में बहुत ज्यादा ऑयल होता है, ये फैक्टर्स है बेसिकली। फिर स्लीप, आपकी जो नींद है, दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी टाइमली नींद पूरी नहीं होती, आपका पूरा दिन जो है वो आपके सामने डिस्टर्ब हो जाता है, आप फोकस नहीं कर पाते चीजों के ऊपर, आपको आपकी जो एफिशिएंसी ओवरऑल है वो डिक्रीज हो जाती है। फिर इमोशनल वेलबींग, आपने देखा होगा वो लोग जो कि पॉजिटिव होते हैं ना, उनके चेहरे से नजर आ रहा होता है, दे आर सेटल्ड। ये जो आप इमोशंस आपके होते हैं ना, ये आपके हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके हार्मोन्स को कंट्रोल कर रही है, आपके ब्रेन। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, इसका बड़ा फायदा होता है, ये एक ब्लड के फ्लो को इस वे में लेके जाती है कि जो आपके ब्रेन में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं उनको कंट्रोल कर रही होती है।
काफी हद तक। अभी तो हमें स्टडी भी बताती है, देयर आर मल्टीपल रेफरेंसेस जिससे हमें पता चलता है, जो कि बड़ी एक जबरदस्त किस्म की डिस्कवरी है कि जो है हमारा जो ब्रेन है उसको हम अपनी बॉडी से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे या डिफरेंट पोस्चर्स में खड़े होंगे तो आपका ब्रेन डिफरेंट वे में रिएक्ट करेगा, और इन सर्टेन वेज लाइक अगर आप सारा दिन लेटे रहेंगे या सर्टेन बॉडी पोस्चर्स में बैठे रहेंगे तो आपका ब्रेन जो है वो एक डिफरेंट वे के अंदर रिएक्ट करेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। समटाइम्स आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, समटाइम्स आप बहुत डाउन फील करेंगे, और इस चीज में आपकी रूटीन का, आपके खाने का, आपके सोने का, आपके वर्कआउट का बहुत ज्यादा जोन्स है वो इम्पैक्ट होता है। फिर ब्यूटी रूटीन एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे लोग कॉस्मेटिक्स डेली बेसिस पे यूज करते हैं, और क्या वो यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इन चीजों का बड़ा इम्पैक्ट होता है। क्या देखें जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है या ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उनको बेहतर करने के लिए क्या कुछ लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं, उनके साथ तक इनको एड्रेस कर रहा है, ठीक है। जरा देखिएगा हमारे पास यहाँ पे ना दो तरह के फैक्टर्स लिखे हैं, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। अगर हम इनकी परसेंटेज को डिवाइड करते हैं ना तो 20% इंटरनल फैक्टर है जो कि हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, बाकी के वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कंट्रोल में आते हैं। 80% हम कंट्रोल कर सकते हैं या एड्रेसेबल ऑप्शन है हमारे पास। इसका मतलब है एक बड़ा परसेंटेज ऐसा है जिसके जरिए हम अपनी लुक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और वो एड्रेसेबल है, जिसके अंदर मेजर पार्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स का और फिर लाइफस्टाइल फैक्टर। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर दीजिएगा। मैं वैसे आप लोगों के माइक्स को अनम्यूट करने की भी ऑप्शन ऑफ कर रहा हूं, लेकिन आपने मुझे रेफरेंस इस चीज का देना है कि व्हाट आर दोस थिंग्स आपके ख्याल से, ख्वाब वो इंटरनल है एक्सटर्नल है, आपके ख्याल से कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन खराब हो रही है, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ खराब हो रही है। ये मैंने आपके माइक्स को अनम्यूट कर दिया, आप अनम्यूट करके बात करना कर सकते हैं। अगर आप चैट में लिखना चाहें मैं आपके यहाँ पे आंसर्स को भी पढ़ता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो कि आपको, आपकी कौन सी हैबिट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन खराब हो रही है, या वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपकी स्किन खराब कर रही है। फेक प्रोडक्ट्स लिखा है जी मैम समन ने, जबरदस्त जी, बोलिए आपकी आवाज में सुन पा रहा हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज कर लूँ इसका ताकि मैं भी आपकी आवाज सुन सकूँ। हाँ जी, आप बोलिए। सबसे पहले तो सन है, पॉल्यूशन है, ये वो चीज़ सन आ गया, पॉल्यूशन आ गया, ये वो चीजें लिखी हुई है जो यहाँ पे मौजूद है। आप मुझे और चीजें इनके अलावा हट के बताएं, क्या चीजें हो सकती हैं, एग्जांपल फैक्टर्स बताएं, वो खास चीज बताएं जिससे इम्पैक्ट आ रहा है, लाइक खाने के अंदर मैंने आपको ऑयल की एग्जांपल दी, इस तरह की एग्जांपल दी, बहुत सारे हमारे विटामिन हम नहीं ले रहे होते, दैट इज अ गुड एग्जांपल। डिप्रेशन लिखा हुआ है जी उसकी वजह से, ठीक है, बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, और डेली रूटीन में भी जो हम ऐसी चीजें हमारे पास आ रही होती हैं जो कि हम इंटरनली यूज करते हैं हम वो नहीं यूज कर पाते, जो हमारे बॉडी कैल्शियम है हमारे पास, तो ये हमारे न्यूट्रिशन उसमें आ जाती है सारी चीजें। बिल्कुल ठीक है, ये न्यूट्रिशन की बात की, कोई और कोई चीज ऐड करना चाहे, जरा सोचे आपके इर्द गिर्द लोग क्या कर रहे होते हैं, ऐसी क्या हैबिट्स हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि खराब कर रही हैं। लैक ऑफ ग्रीनरी लिखा हुआ है, मैं देख रहा हूँ, फेक पोल्यूशन, फेक प्रोडक्ट्स, जंक फूड जबरदस्त, एंड एंग्जायटी, लैक ऑफ स्लीप, स्लीप ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ऑयली फूड, ठीक है, जंक फूड, उसके बाद डाइट हमारी आ गई, चीप प्रोडक्ट्स आ गई, फिर जंक फूड, फास्ट फूड, बैड क्वालिटी कॉस्मेटिक, स्ट्रेस, अनहेल्दी फूड। देखिएगा बार बार हम फूड के ऊपर और इन चीजों के ऊपर आ रहे हैं, इटमीन्स कि इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। केयरलेसनेस, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है मैम नौरीन इमरान ने, केयरलेसनेस इज ऑल्सो समथिंग कि हम केयर ही नहीं कर रहे होते। आई एम इंस्पायर्ड बाई दिस कमेंट के केयरलेसनेस हमारे में सबके अंदर मौजूद होती है, हम केयर नहीं करते। और इसके अलावा आप टेंशन, डिप्रेशन रिपीट हो रही है, आप मुझे बताना चाहें म्यूट करके, आप भी क्या फिर हम दो तीन चीजें बोलते हैं। और सर टाइम से ना सोना जी, स्लीप हो गया जबरदस्त, जबरदस्त, और बताएं
और बताएं सर, डेली रूटीन जो सर डेली रूटीन जो हम यूज करते हैं ना, वो हम पहले से नहीं यूज करते, हमें वो चीज पहले से स्टार्ट करनी चाहिए एजिंग साइन आने से पहले, वो हम नहीं करते जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जी, ये जो मैम और नौरीन ने लिखा है ना, केयरलेसनेस, इट कवर्स मोस्ट ऑफ द पार्ट। आप यकीन करें कि इट एक्चुअली इज राइट, ये जो आपकी बात है ये भी उसी को सेकंड कर रही है कि हम लोग टाइम के ऊपर चीज करते ही नहीं है, जब वक्त गुजर जाता है फिर हमें एहसास होता है, और ये प्रोसेस हमारा बचपन से स्टार्ट हुआ है, पढ़ाई से लेके पढ़ाई हमें कब पता चलता है, कदर कब होती है पढ़ाई की, जब टाइम निकल जाता है, फिर हमें पैसे कमाने की कब कदर होती है, जब टाइम निकल जाता है, फिर हमें जवानी तब याद आती है जब जवानी खत्म हो जाती है, जिस चीज के बावजूद कि हम थोड़ा सा लेट है हर चीज के अंदर। फियरलेसनेस कवर्स मोस्ट ऑफ द थिंग्स, सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। और कोई चीज बताए, ऐसा फैक्टर और बताए, फिर मैं आपको वापस से दिखाता हूं मजीद। सर वुमेन में मोस्टली जो है हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उनकी स्किन पे छाइयां और इस किस्म के जो मसाइल हैं सबसे ज्यादा वो रीजन यही होता है, ड्यू टू डिलीवरी या उनके कुछ जो भी इश्यूज होते हैं, तो उनके भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। और उसमें भी बच्चों के बाद ये लिखा हुआ है कि बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद वुमेन ओल्ड होना शुरू हो जाती है, ये भी एक एग्जांपल यहां पे लिखी हुई है, या आप जो बता रही हैं ये अनदर एग्जांपल है। वैसे एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर आप बात करते हैं फीमेल्स की जो कि यूरोप के साइड के ऊपर है, और इवन कि पाकिस्तान के अंदर देयर आर मल्टीपल फीमेल्स, देयर आर सो मेनी फीमेल्स जिनके बच्चे होते हैं और आपको यकीन नहीं आता कि दे हैव किड्स, उनकी एजिंग हुई लगता रुकी हुई है, ठीक है, व्हाई डज इट हैपन। तो ये वो फैक्टर्स हैं बेसिकली जिनका वो एट टाइम्स ख्याल रख रहे होते हैं। वंस अगेन जीन्स का, एज का, जेंडर का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये लोग बाकी बहुत केयर कर रहे होते हैं। और ये एक बहुत ही और जबरदस्त अमेजिंग ऑप्शन लिखी है इन्होंने, यानी कि बात लिखी है कि ड्रिंकिंग लेस, लोग पानी कम पीते हैं। नाउ हमारी बॉडी का 70% प्लस हिस्सा जो होता है वो पानी पे है, ठीक है, बेस करता है, ठीक है, तो अब पानी कम पिएंगे तो क्या किस तरीके से हम हाइड्रेट होंगे? सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल थिंग्स। ये मेरे भाई क्वेश्चन आ गया कमीशन का भी, कमीशन डायरेक्टली ट्रांसफर होना चाहिए 20% में प्रॉफिट। हम बात कर रहे हैं इस टाइम मैम साजिदा, काइंडली इस टॉपिक को फोकस करें भी आप, ये आपके सारे कंसर्न हल हो जाएंगे। यकीन करें आपके कोई भी आपके स्पॉन्सर इसके बारे में कोई बेसिक डिस्कशन नहीं है वो बता सकते हैं। अभी हमें हमें जबरदस्त किस्म की क्रिटिकल चीज डिस्कस कर रहे हैं। जी जी, वालेकुम सलाम, जी मैम, जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? स्लीप जो है और हमारा जो डिसऑर्डर हमारी रूटीन में भी होती है, एक्सरसाइज ना करना और फॉलो ना करना हेल्दी लाइफ को, ऑयली स्किन, ऑयली जो चीजें हम लोग खाते हैं वो उसका इंटेक करना, लैक ऑफ स्लीप, ये डिप्रेशन में जाता है इसमें, तो दैट्स व्हाई भी हम लोगों की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, इस वजह से भी हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आपको ना अभी थोड़े से फैक्टर्स दिखाता हूँ, फिर मैं आपको कुछ चीजें सजेस्ट करूँगा, फिर आप लोगों की चॉइस होगी कि आपने उसका अमल करना है या नहीं करना। और रिमेम्बर ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा ओरिफ्लेम जो होलिस्टिक ब्यूटी है वो हमें इसके बारे में बता रहा है। देखिएगा, अगर आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कुछ फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, लैक ऑफ स्लीप जैसे कि आपने बताया, अगर हम सही तरीके से नहीं सोते हमारी जो स्किन सेल्स है ना वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकते वो प्रॉपर। तो आपको पता है ना हमारे स्किन जो सेल्स होते हैं जो हम जिसका मिट्टी समझ रहे होते हैं एटम, हमारे सेल्स होते हैं स्किन के जो के चेंज होते हैं, डेड होते हैं, फिर रिप्लेनिश होते हैं और वो दोबारा आपको पता है हमारे पास आते हैं और हेल्दी स्किन होती है। अगर हम फॉर एग्जांपल प्रॉपर नहीं सोते हमारी स्किन की टाइप खराब होती है, उससे बड़ा इम्पैक्ट आता है। फिर एक आ जाता है जी पोल्यूशन फैक्टर। जी जी बोलिए, बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर मेरा एक सवाल है, जब हम वो पिलो यूज करते हैं तो कहते हैं ना कि उसका अगर सिल्क टाइप का कोई कवर हो तो हमारे फेस पे जो है ना रिंकल्स वगैरह नहीं पड़ते, तो क्या ये बात सच है?
ऑनेस्टली मुझे इसका आंसर नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ इसके बारे में आई एम श्योर अबाउट इट. जो आप पूछ रही हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऐसा हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऐसा ना हो, मेरे पास इसका ऑनेस्टली नहीं नॉलेज, लेकिन इट्स अ गुड क्वेश्चन. अगर मुझे पता चलेगा आई डेफिनेटली कम बैक. मैंने सुना ना सेल टाइप का तकिया रखना चाहिए और हाथ नहीं दबा के, जैसे हम लोग अक्सर बाल को हाथ ऐसे नीचे करके रखते हैं ना, उससे भी स्किन पे रिंकल्स वगैरह आ जाते हैं. और कुशन जब भी इस्तेमाल करें तो सिल्क टाइप का हो, जो बहुत मुलायम सा हो, तो उससे इतने रिंकल्स नहीं पड़ते. जबरदस्त गुड सजेशन. लेकिन अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ इनमें ये चीज कहीं भी नहीं लिखी हुई, इसका मतलब है कि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा अगर है भी. ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ इनको कंट्रोल कर लेंगे ना, तो आप यकीन कीजिएगा आपको बाकी कुछ और करने की जरूरत नहीं है. ये कुछ वो फैक्टर्स है, ठीक है जी. तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस नाउ. कुछ मैं आपको चीजें बताता हूँ, फिर आप लोगों के जो क्वेश्चन हुए उनको मैं दोबारा एड्रेस कर दूंगा. सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं आपके माइक दोबारा विद योर परमिशन मैं म्यूट कर रहा हूँ, और इसके बाद ही मैं आपको दो तीन चीजें गो थ्रू करवा दूं, और उसके बाद फिर आपके पास. ठीक है, सो नाइस ऑफ यू. अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, अभी दोबारा आते हैं पोल्यूशन की तरफ. देखिएगा जो हमारे पास जितने भी लेस से जो कार्बन का एमिशन है, बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो दो तीन चीजें कर रहा है. एक डायरेक्टली हमारी स्किन को डैमेज कर रहा है, दूसरा ओजोन को डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से सन रेज ऐसी आ जाती है कि और ज्यादा उनके ऊपर अल्ट्रा वायलेट जो आपको पता है स्किन के लिए डैमेजिंग होती है, वो और ज्यादा आ जाती है. ठीक है, और ये जितने भी हमारे पास ऑक्सीडेटिव एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स हैं, वो हमारे हेल्दी स्किन सेल्स को डैमेज कर रहे होते हैं. ठीक है, और इसके लिए हमें एंटी ऑक्सीडेंट्स लेना चाहिए. लाइक आपको पता है हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स के अंदर, पॉलीफ्लेम की प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन सी रिच होता है. लाइक अभी मैं रिसेंटली एक प्रोडक्ट देख रहा था, उसके अंदर स्ट्रॉबेरी थी, उसके एक्सट्रैक्ट्स थे बहुत ज्यादा स्पेशली टू क्रिएट विटामिन सी, एक्सेसिव ड्यूटी टू दैट, उस वजह से जोन्स है वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हेल्दी हो सके, क्योंकि विटामिन सी के ऊपर जोन्स है वो फोकस किया गया है. साथ साथ ये पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए एक तो हम ये रूटीन यूज कर सकते हैं स्किन केयर की, और इसके साथ साथ हम विटामिन सी का इनटेक ज्यादा कर सकते हैं. इसका हमारे स्किन के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट. फिर इसके बाद आ गया जी बाजू का. आपको पता है हम अपने रूटीन के अंदर जोन्स है वो इतने बिजी होते हैं कि हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं रहता. हम वर्कआउट नहीं करते, हम जोन्स है बेसिकली सोचते नहीं है, हम कैलोरीज नहीं करते, हम अपने आप को प्लानिंग नहीं करते, कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करते जिससे हमें पीस ऑफ माइंड मिले. ठीक है, ऐसी चीज समथिंग जो कि आपके अपने लिए सेल्फ टाइम, मी टाइम लोगों का कम होता है, ज्यादा लोग डिवोटेड होते हैं अपनी फैमिली की तरफ. तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने लिए टाइम निकालें और अपनी जात पे फोकस करें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें अपनी टाइम अपने लिए. ठीक है, फिर एक फैक्टर आ जाता है स्ट्रेस का, जिसके बारे में आप ये सारी चीजें होंगी जो आपने बताई है डायरेक्टली इनडायरेक्टली. स्ट्रेस इज समथिंग जो कि आपकी स्किन को खराब करता है. वुड यू बिलीव कि स्ट्रेस इज समथिंग जो कि होता तो ब्रेन के अंदर है, लेकिन वो डैमेज आपकी हेल्थ को भी कर रहा होता है. आपके आपको स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, आपका आपको हेडेक हो सकता है, आपके बाजू में दर्द शुरू हो सकता है, और साथ साथ आपकी स्किन खराब हो रहा है. तो स्ट्रेस इज समथिंग जिसकी वजह से सर्टेन हार्मोन जनरेट होते हैं ब्रेन में, जो कि आपके इवेंचुअली काफी बॉडी के पार्ट्स के लिए अनहेल्दी होते हैं. तो स्ट्रेस इज समथिंग जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए. देयर आर मल्टीपल वेज जिसके जरिए हम स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं. फिर सन एक्सपोजर, अभी आपको बताया पोल्यूशन की वजह से क्या चीज हो रही है जी, अल्ट्रा वायलेट रेज आ रहे हैं. आप जरा सोचिएगा वंस अगेन जी, हमारे पास अगर हम बात करते हैं एजिंग के प्रोसेस, ठीक है, दूसरे कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करते हैं, वहां पे लोगों की एवरेज लाइफ ज्यादा है, फीमेल्स की एवरेज लाइफ ज्यादा है, पाकिस्तान साउथ एशिया में कम है. व्हाई इज दैट? उसकी रीजन एक ये भी हो सकती है, बट देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसको मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन जो रिसर्च हमें बताती है दैट इज के उनका जो इंटेक होता है फूड का, उनकी हैबिट्स, फैक्टर्स जो हमने भी बात किया, इंटरनल जीन्स, और ये सारी चीजें ड्राइव करके एज को डिसाइड कर रही होती है. जो हेल्दी लाइफ स्टाइल जो आपका एक होता है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिससे आपकी एज पता चलता है.
एज कितनी है इंसान की, एवरेज एज इज समथिंग एल्स, एक अलग टॉपिक है, लेकिन उम्र ज्यादा लगना, एजिंग का प्रोसेस तेज हो जाना, वो एक अलग टॉपिक है। वो सारे लोगों की ऐसी स्किन होती है, आपने देखा होगा कि वो होते हैं 25-30 साल के, लेकिन वो 40-45 साल के लग रहे होते हैं, क्योंकि सारे जो फैक्टर्स हैं ये इसके अंदर जो उनसे हैं वो इनको इफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं ऐसी फीमेल्स की जो कि लेस से गांव में रहती है, विलेज साइड पे रहती है, खेतों में काम करती है, मेहनत करती है, उनकी स्किन का एक्सपोजर सन में बहुत ज्यादा होता है। अगर हम उनकी लाइफ एवरेज की बात करते हैं तो प्रोबेबली शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनसे उनकी लाइफ ज्यादा हो, एवरेज लाइफ ज्यादा, लेकिन उनकी स्किन डिस्पाइट ऑफ वेरी क्लीन एटमॉस्फेयर उनकी स्किन बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। वो क्यों हो रही होती है? क्योंकि उनकी स्किन के ऊपर सन का बहुत ज्यादा जो है वो एक्सपोजर हो रहा होता है उनकी स्किन। तो क्या होता है जी, आप यकीन करें 95% वो कहते हैं जो आपकी विजिबल स्ट्रिंग स्किन होती है जो सन के अंदर होती है वो जो होती है वो बेसिकली जो होती है काफी ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है सनलाइट एजिंग प्रोसेस को ज्यादा आगे। So that is something जिसका हम सब ख्याल रख सकते हैं और वो कैसे रख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है। देखिए हम ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर ना निकले, आप यकीन करें ऑनेस्टली मेरे ख्याल से आप लोगों को एक कैंपेन चलाना चाहिए, खास तौर पे जो हमारे पास विलेज साइड पर लोग रहते हैं, हमारे बहन भाई जो कि खेतों में ज्यादा एक्सपोजर जिनका होता है, उनके पास स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन उनके पास सन का इतना एक्सपोजर है कि वो उनकी एजिंग तेज कर देते हैं। इतने हेल्दी एटमोसफेयर में रहने के बावजूद ड्यू टू सम फैक्टर्स उनकी एजिंग ज्यादा लगती है, खासतौर पर उनकी स्किन खराब हो रही है। उन तक क्या आप ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं? हमारी प्रोडक्ट स्पेशली इसीलिए डिजाइन हुई है, सन को सन रेस को एड्रेस करती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को पोल्यूशन को बाकी चीजों को एड्रेस कर रही होती है। उनको शायद पोल्यूशन के लिए प्रोडक्ट्स ना चाहिए, लेकिन अगर वो अल्ट्रा वायलेट रेस को जो है वो अवॉइड करना चाह रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी SPF मौजूद है, हाई क्वालिटी के अंदर मौजूद है, परसेंटेज वाइज अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ज्यादा, ठीक है। तो आप वो वाली प्रोडक्ट्स उनको रिकमेंड कर सकते हैं, आप यकीन करें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ सकता है एजिंग के प्रोसेस। फिर पूर डाइट, वंस अगेन हम अपनी बॉडी को जो हम बात कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल जरा थिंक अबाउट इट, एक दफा सोचिएगा इस चीज के बारे में, हम मोस्टली पैसे कहां पे खर्च करते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सुनिएगा। अच्छे कपड़े पहनने में, ठीक है, हम पैसे खर्च करते हैं। अच्छे जूते पहनने में हम पैसे खर्च करते हैं, ठीक है। हम बाकी चीजें करने में पैसे खर्च करते हैं, ज्वेलरी हो गया, घूमना फिरना हो गया, एवरीथिंग जो हमारा मैक्सिमम खर्चा हो रहा होता है वो हमारे पास रीजनलेस होता है। एक्चुअली अगर हम बात करते हैं, हम अपनी जात के ऊपर उस तरह नहीं खर्च कर रहे होते, हम उस तरह का फूड इनटेक नहीं कर रहे होते, हम बेसिकली स्किन की केयर नहीं कर रहे होते, हम बेसिकली मोस्टली ये देख रहे होते हैं कि हमारी अपेरेंट लुक कैसी है, लेकिन हम ये नहीं देखते वो चीजें जिससे हमारी स्किन और हमारा इंटरनली हम कैसे खूबसूरत लग सकते हैं, इस चीज के ऊपर हमारा फोकस कम होता है। हमारी जो डाइट है दैट इज समथिंग व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिहाइड्रेशन 70% आपको बताया हमारी बॉडी पानी है, और अगर हम पानी नहीं पीते, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 1 गैलन पानी डेली पिया, ठीक है। ये मैंने कहीं और पे पढ़ा, किसी और जगह पे पढ़ा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 गैलन पानी पिया करें, तकरीबन 3-4 लीटर बनता है ये पानी, या आप डेली का पिया करें, आपको अपनी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नजर आएगा, ठीक है। ये इसके साथ साथ जो आपका एजिंग है वो सारी की सारी जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी होती है ना, वो भी आपकी उम्र के साथ साथ बढ़ रही होती है। ये जितने फैक्टर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी और जितने आप देख रहे हैं, ये जो आखिरी पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ ब्यूटी रूटीन्स वाला, ये काफी हद तक इस पॉइंट से एड्रेस हो सकता है। Are you getting your point? अगर आप लेस से ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से खास इन्हीं रीजंस की वजह के लिए बनाई गई है और इन सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है, होलिस्टिक ब्यूटी व्हील एक एंगल है, होलिस्टिक एंगल है ओरिफ्लेम का जो प्रोडक्ट्स बनाने का, उससे आपकी काफी ज्यादा कंसर्न एड्रेस हो सकता है।
आप समझ रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि आप पोल्यूशन को एड्रेस कर सकते हैं, आप सन रेस को जो कि 95% एजिंग का प्रोसेस फेस कर देता है, उसके बाद आप पानी ज्यादा पिए लेकिन आपकी स्किन को व्हाइट से भी हाइड्रेट रखना जरूरी है, वो आप कैसे कर सकते हैं, और स्किन के प्रोडक्ट्स के जरिए कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर दोस थिंग्स जो कि आप एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन आपने जितनी भी चीजें भी कमेंट्स के अंदर लिखी थी मैं उनके साथ एग्री करूंगा, वो बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास जो है होलिस्टिक ब्यूटी रील है, वंस अगेन आप देख सकते हैं 80% इसके अंदर ऐसे रहते हैं जो कि एड्रेसेबल, ठीक है। तो दीज आर दोस थिंग्स जिनका आप ख्याल रख सकते हैं। ये देखिएगा जी, हमारे पास वाइड पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का, आप हमारे पास ऐसे फ्रेग्रेंसेस भी मौजूद हैं जो कि आपके मूड्स को ठीक कर रहे होंगे। देर आर सर्टन फ्रेग्रेंसेस जिनको जिनको आप सुनो तो आपको अच्छा लगता है, महसूस लगता है, आपका ब्रेन एक डिफरेंट वे के अंदर काम करना शुरू कर देगा। मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो कि आपको जो है अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने के लिहाज से, और आपके एजिंग के प्रोसेस को ओवरऑल मूड्स को बेहतर कर सकते हैं। तो हमारी प्रोडक्ट्स जो है आपको पता है दुनिया में 12 लाख जा रही है, फॉर यू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हमारी प्रोडक्ट्स जो है हम स्मार्टली डेवलप की जाती है, देखा जाता है बेसिकली किस तरह रिक्वायरमेंट क्या है। अभी देखिएगा होलिस्टिक ब्यूटी रील के कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर प्रोडक्ट डेवलप हो गया तो ये सारे फैक्टर्स को देख के उनको एड्रेस करने के लिए प्रोडक्ट बनाई जा रही है, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचर विद साइंस बेसिकली, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिफ्लेम ब्यूटी। हमारी प्रोडक्ट सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमारी प्रोडक्ट्स लोगों को इंस्पायर करने के लिए नहीं बनाई गई, लोगों के मसलों को हल करने के लिए बनाई गई। ओरिफ्लेम में ब्यूटी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ठीक है, और इट इज ड्रिवन फ्रॉम स्वीडन बेसिकली, और स्वीडन आपको पता है पूरी दुनिया में जाना जाता है नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो सस्टेनेबल है, और इसलिए सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है, नेचर से जितना ले रहा है उतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रोडक्ट्स बायोडिग्रेडेबल है, पैकेजिंग बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरमेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं है, सोसाइटी पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो कि ओरिफ्लेम ऐसी कर रहा है जिसका लोगों को नहीं पता, लेकिन आपको इस चीज के बारे में होना चाहिए ताकि जब आप ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स किसी को रिकमेंड कर रहे हो आप प्राउडली रिकमेंड करें विद अ बैकग्राउंड। एक छोटी सी वीडियो है इसको देखते हैं और फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, बाकी हम टेक सेशन में। Nature holds a special place in our hearts. It's part of who we are, how we live. It's where we go to re-energize, reconnect. Nature inspires us to create the beauty products we love. But nature is precious, so we need to protect it. We want future generations to enjoy it as much as we do before it's too late. That's why we're doing everything we can to rethink and redo how we make our products. We use 100% green, renewable electricity and protect and plant millions of trees each year. 100% of our paper and cardboard packaging is sustainably sourced. And we're creating more water-friendly, biodegradable beauty products. We've come a long way. Our own manufacturing is already climate neutral. We're not done yet. We're determined to make an even greater difference and become fully sustainable. For a better, more beautiful tomorrow. आई होप आप लोगों ने ये वीडियो पहले भी देखी हुई है और अभी भी आपको उतनी अच्छी लगी होगी जितनी आपको फर्स्ट टाइम देखने पे ये वीडियो लगी थी। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हमने आज के लिए नहीं, हमने आने वाले कल के लिए भी काम करना, हमने अपने लिए नहीं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी इस वर्ल्ड को सेव करना। देखिए एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि इसको स्प्रेड होने में टाइम लगता है क्योंकि एजुकेशन मुश्किल होती है। आप आज से इस पे काम करना शुरू करेंगे, इसको प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे, आप ओरिफ्लेम की स्किन के लिए रूटीन्स उनको बताएंगे, कंट्रीब्यूशन बताएंगे, चीजें रिकमेंड करेंगे, बेहतरी पे काम करेंगे, तो आपको आज नहीं तो कल रिजल्ट मिल जाएगा। ओवरऑल आपका बिजनेस तो अपनी जगह पे एक्सपेंड होगा, लेकिन साथ साथ आप लोगों की लाइफ में वैल्यू भी एड कर रहे होंगे, एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ।
ये एक चीज है जो कि आज का हमारा लास्ट चीज थी, तो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। कल हम डिस्कस कर रहे होंगे डिटेल के अंदर स्किन केयर और कुछ प्रोडक्ट्स अपने रूटीन्स को डिस्कस कर रहे होंगे, तो ये देखिएगा एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ मजीद थोड़ी डिटेल्स। देखिए हमारी प्रोडक्ट एक्वाटिकल स्क्रीनिंग से गुजर के बनाई जाती है, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, नेचुरल एक्सफोलिएंट्स होते हैं, स्ट्रिक्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे पास नहीं होती कोई प्रोडक्ट्स, रिगोरियस सेफ्टी एंड टेस्टिंग हम यूज कर रहे होते हैं। ये चीज हम कल डिस्कस कर रहे होंगे स्किन टाइप को, इसके बारे में हम देख रहे होंगे कि हम किस तरीके से अपनी स्किन को एड्रेस कर सकते हैं रिलेटेड इश्यूज को, और किस तरीके से हम हेल्दी स्किन जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, और हमारी स्किन किस वे के अंदर एक्चुअली बिहेव कर रही है। We'll discuss this tomorrow. और अभी आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं, I'll wait for them. अच्छा मेरी आवाज I hope कि क्लियर है आप जी। ये हमारे अगर आप वीडियो ये सर्च करना चाह रही हैं मैम मनीला, तो आप इसको देख सकती हैं और इसलिए यूट्यूब चैनल पर, और इसलिए ऑफिशियल सर्च करें यूट्यूब पर, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा इसके बाद हमारे पास आ गया जी कमेंट्स और क्वेश्चंस में देख रहा हूँ यहाँ पे। देखिएगा जी पोल्यूशन तो है बट घर में रहते हुए भी वुमेन खुद का ख्याल नहीं रखती। बिल्कुल ठीक कह रही है मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखिए डाइट का होता प्रॉब्लम, एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक सजेशन है। साथ साथ देखिए हमारी स्किन को हमने हाइड्रेट भी रखना है। अगर वंस अगेन हम इतना पैसा लगाते हैं कपड़ों के ऊपर, हम अपनी जात के ऊपर अपनी स्किन के ऊपर, स्किन देखिए सबसे बड़ा कपड़ा तो स्किन है ना जो हमारे पास मौजूदा पड़ता है, अगर हम उसका ख्याल नहीं रखते तो बाकी जो हम कपड़े पहनते हैं, हम बाकी चीजें कर रहे होते हैं, आई थिंक उनकी प्रायोरिटी सेकंड होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑल अबाउट हेल्थ, ठीक है, वो आपकी इंटरनल हेल्थ है, वो आपकी एक्सटर्नल हेल्थ है, वो आपकी स्किन है, वो आपकी बॉडी है, आपको उसका ख्याल रखना है। दैट इज समथिंग जो कि हमें एजुकेशन बताती है, उसके बारे में हम सबका करना चाहिए, ख्याल रखना, ठीक है जी। जी बिल्कुल, लैक ऑफ नॉलेज है जी मैम मुनज़ा, यू आर आल्सो एब्सोल्युटली राइट कि लोगों में थोड़ा सा नॉलेज, एंड दैट इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। रिमेंबर हम लोग कोचेस हैं, बिजनेस कोच नहीं है, साथ साथ हम एडवाइजर्स भी हैं, मींस कि वी आर कंसल्टेंट, हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं लोगों को किस चीज पे, बिजनेस पे हम कंसल्टेंसी दे रहे हैं, लोगों की लाइफ कैसे इंप्रूव हो सकती है, प्लस वो अपने स्किन की कैसे केयर कर सकते हैं, किस तरीके से अच्छा दिख सकते हैं, तो दीज आर दोस थिंग्स जो कि हमने जिस पे लोगों को एजुकेट किया, ठीक है। आई थिंक लेट्स एंड दिस सेशन राइट नाउ, और एक्सक्यूज मी, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला, कल मैं इसका इनवाइट शेयर करूंगा और बाकी के पार्ट्स को एड्रेस करूंगा, ठीक है जी। देखिएगा इसके अंदर देखिए लोगों को ना बेसिकली जब चीजों की वर्थ पता चल जाएगी ना तो वो उसको अफोर्ड करेंगे, दे विल पे। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि लोगों के पास गांव में रहने वाले लोगों के पास पैसा नहीं है, तो यकीन करें कि ये वंस अगेन आपकी गलतफहमी है, दे कैन अफोर्ड योर क्रीम्स, मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूँ, मेजोरिटी कैन अफोर्ड योर क्रीम्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं भी कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग इसको कर सकते हैं। देखिए आप जब अपनी क्रीम को प्रमोट करते हैं ना किसी भी जगह के ऊपर, तो उनको उसका इफेक्ट बताएं, उनको बताएं कि डिफरेंस क्या है। जब आप उनको एक दफा समझाएंगे ना अपने जुबान में, लेमैन की लैंग्वेज में बताएंगे कि देखिए आप जब सन में जाते हैं ये इंसान जल्दी बुरा लगने लगता है, और आई डोंट थिंक सो कि अगर आप किसी के फायदे की चीज सच्ची में उसको बताएं तो वो उसको डिनाई करे, वो नहीं कर सकता डिनाई इस चीज को। और सेकंडली अगर आप ऐसे 1000 रुपए की भी एक क्रीम ले लेते हैं एग्जांपल में, और वो आपकी 1.5-2 माह चल जाती है, कितने की आपको डेली की कॉस्ट आ रही है उसके ऊपर, आप इसको देख सकते हैं ना होने के बराबर कॉस्ट आपकी 10-15 रुपए, 10-15 रुपए खर्च नहीं कर सकते डेली बेसिस के ऊपर। Just think about it कि आपकी कितनी कितनी देर तक क्रीम चलती है, कितनी देर तक आपकी स्किन की रूटीन चलती है, उस लिहाज से वो आप डेली बेसिस वाइज देखें। मेरे ख्याल से इंसान को अपना ख्याल रखना चाहिए, ये अवेयरनेस आपको उनको बतानी है, और अगर वो अफोर्ड नहीं करते हैं उनसे कि हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करें, आपके साथ बिजनेस करें, और रिकमेंड करें अपने सोशल सर्कल में, उन लोगों तक पहुंचाएं जो अफोर्ड करते हैं, जितना जरूरत है जिनको समझ है उन तक पहुंचाएं, अपने पैसे सेव करें और अपने आप को, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है जी जी। देखिए अभी यहाँ पे आपने लिखा है कि उन्होंने कैप्टॉप के बारे में भी आपसे पूछा,
दैट इज समथिंग अमेजिंग जी. मैम लीला ने लिखा उनको एक ऐसे कस्टमर मिली और इसी तरह का उनका बैकग्राउंड था, उन्होंने कैटलॉग के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी कि और क्या क्या चीजें हैं. दैट इज जी आपके. अब देखिए मैम आसमान नूर ने मेंशन किया हुआ है एंड शी इज टॉप 15 लीग लीडर. उन्होंने बेसिकली लिखा है कि उनके पास तकरीबन 8 कस्टमर जैसे हैं जो कि ऑप्टिमस फेस वॉश यूज कर रहे हैं बदीन वाली साइड से और फर्दर आगे विलेजेस से उनका ताल्लुक है. Just think about it. अब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ही है ना. अब आप यकीन करें कुछ अर्सा जब गुजरेगा ना, ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, उनके गांव की खवातीन जब उनको देखेंगी वो पूछेंगी कि यार आपकी स्किन को नहीं कुछ होता, हमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पूछेंगे वो. और इवेंचुअली वो भी आगे एक्सपेंशन और वो और आगे लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं. जिस तरह बुराई पे आएगी इसी तरह अच्छाई भी. ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ और साथ. चलो जी, थैंक यू ऑल फॉर योर वंडरफुल फीडबैक, थैंक यू ऑल फॉर योर अमेजिंग कमेंट्स. और आप सब लोगों ने आज जो कंट्रीब्यूशन किया ट्रेनिंग के अंदर, इसमें आई रियली अप्रिशिएट दैट. और इसी तरह कंट्रीब्यूट किया करें, पॉजिटिव रह के एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करें ताकि सबके हेल्प हो सके और इसी तरीके से हम नॉलेज एक्सपैंड कर सकें. जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया आपका. अपना ख्याल रखिएगा अंटिल नेक्स्ट टाइम जी. जी मान अल्लाह अल्लाह. अच्छा.